भगवान को धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि ये पूरे देश में जो मोदी जी का लहर आया है उसमें राम मंदिर का भी मुद्दा है। लोग राम मंदिर भी अयोध्या में देखना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। 370 वो एबोलिश करना चाहते हैं। समान नागरिक कानून का भी मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर बहुत अहम मुद्दा है। हम भी आए थे, उद्धव जी सब हमारे साथ थे, हजारों लोग हमारे आए थे। तो उसके बाद उद्धव जी ने कहा था हम फिर आएंगे चुनाव के बाद, क्योंकि हम रामलला को भूल गए, ये भूमिका नहीं होगी, हम वापस आएंगे। उद्धव जी वापस हमारे विजयी सांसदों के साथ आए हैं, फिर एक बार आशीर्वाद लेंगे और राष्ट्र कार्य को समर्पित होंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन में शिवसेना से पहले रिश्ते खराब हुए, फिर अच्छे हुए, और अब इस समय बहुत अच्छे हैं जो बताया जा रहा है। तो शिवसेना का दबाव किस तरह होगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दबाव की बात नहीं है ये, हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, बीच में कोई मनमुटाव हुआ था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते से अगर देश का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, तो हम सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। अभी 303 सांसद बीजेपी के हैं, हमारे 18 हैं, और भी लोग हैं, तो मंदिर निर्माण के लिए और क्या चाहिए। अच्छा, अगर चार बड़े मुद्दे आप चुकी इस बार का, तो ये भी नई बहाना रह जाएगा कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इस बार बहुमत भी हो जाएगा 2020 को, बहुमत हो जाएगा और भारी बहुमत हो जाएगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। तो चार ऐसे कोई मुद्दे होंगे जिन पे शिवसेना का बड़ा वो रहा होगा कि, और भारतीय जनता पार्टी भी वादा करती रही होगी कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा? राम मंदिर है, 370 है, जनसंख्या नियंत्रण है, समान नागरिक कानून है, ये हम देश के सामने हमेशा 25 साल से मुद्दे रखे। जब हमें बहुमत मिलेगा, पूरा बहुमत मिलेगा, तो हम इस मुद्दे पर काम करेंगे। इस बार सपना पूरा होगा, समझ लो हो जाएगा। अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, प्रखर राष्ट्रभक्त है, हिंदुत्ववादी है, और उनके कदम बहुत कठोर पड़ते हैं राष्ट्रहित के लिए, काम भी शुरू किया है मेरे हिसाब से, तो ज़रूर ये चार मुद्दे पर काम होगा।